कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सर्कल, और आज हम लोग सर्कल में हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। सर्कल का इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? अगर आपको डायमेट्रिक का यानी किसी डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज दिया हुआ हो तब, और कोई लाइन अगर सर्कल पे टेंजेंट होता है तो कौन सा कंडीशन होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, सर्कल के इक्वेशन को डायमेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस पे हम लोग इस क्लास में बात करते हैं। लेट दिस इज सर्कल and this is center C and this is your coordinate x1 y1, this is point A and this is point B and having coordinate x2 comma y2। मान लिया इसका coordinate x2 comma y2 है and here coordinate is x1 comma y1। let any arbitrary point on this circle and this point is P। मान लिया ये P कहीं भी हो सकता है, यहां 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 कहीं भी हो सकता है। तो हम यहां पर देखेंगे कि अगर हम A से P को ज्वाइन करेंगे और P से B को ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा, बिकॉज दिस इज डायमीटर, AB इज डायमीटर। AB क्या है? AB इज डायमीटर, ये डायमीटर है। एंड C इज सेंटर, C इज सेंटर। तो हम यहां क्या किए कि AP एंड PB को ज्वाइन कर दिए P के साथ, B को P के साथ और A को P के साथ। देन यू विल गेट दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये कहीं भी हो 90 डिग्री बनेगा, यहां भी हो तो भी ये 90 डिग्री बनेगा, यहां भी हो तो भी 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि डायमीटर हमेशा सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट पर इट ऑलवेज फॉर्म 90 डिग्री। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, इसको आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि हाउ विल यू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल विद द हेल्प ऑफ दिस कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2। तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन AP, स्लोप ऑफ AP इनटू स्लोप ऑफ PB, स्लोप ऑफ PB, PB ये लाइन। इफ बोथ लाइन सेगमेंट्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1। This is m1 into m2 is equal to -1. This is the property. ये coordinate geometry के straight line में हम लोग ये देख चुके हैं property कि if two line segments are perpendicular to each other, then product of slope, let this slope is m1 and this is m2, this will be -1. And this is any variable coordinate, तो variable coordinate को हम x, y से denote कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या? कि slope लिखते हैं। स्लोप ऑफ एपी कितना होगा? तो दिस इज y-y1 / x-x1 इनटू स्लोप ऑफ पीबी, दिस इज y-y2 / x-x2 इज इक्वल टू -1। अब इसी को हम क्या करते हैं, नीचे वाले टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं। तो दिस इज y-y1 / y-y2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x-x1 x-x2। इस नेगेटिव टर्म को फिर से इधर ले आएंगे तो इसको लिखेंगे x-x1 एंड दिस इज x-x2 प्लस y-y1 y-y2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। ये डायमेट्रिक फॉर्म है सर्कल का, दिस इज सेंटर, ये आपके पास डायमीटर है। तो डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज आपको अगर पता है x1 y1 and x2 y2, then you can write the equation of circle using the point P, and this is the P, P is the locus of your circle। तो हम यहाँ पे देखे प्रॉपर्टी लगाया कि if two line segments are perpendicular then product का slope -1 है, और यहाँ पर हमने देखा कि इन दोनों को लेकर अगर ट्राइंगल फॉर्म करते हैं इस सर्कल के अंदर यानी पेरीमीटर पे, इसके आउटस्कर्ट पे, तो दैट ट्राइंगल इज ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल। नॉट लेट अस सी वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपके पास जनरल इक्वेशन है सर्कल का, तो एक सर्कल है यहाँ पर, उसका एंड पॉइंट देखिए क्या है, डायमीटर का एंड पॉइंट, दिस इज डायमीटर
and diameter has end point 2, 3 and 4, 5. This is x1, y1, this is x2, y2 and put these values in this equation. So x1 ये आपके पास, y1 ये है, x1 ये, x2 ये, this is y1, this is y2 and this is the equation of circle whose diameter has end point 2, 3 and 4, 5. तो ये बहुत आसान तरीका है. अगर फॉर्मूला याद है आपको तो बहुत आसानी से इक्वेशन लिख सकते हैं सर्कल का, जब आपको डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ हो तब. तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन को लिखने के लिए एक और मेथड है आपके पास, चाहे तो डायमेट्रिक फॉर्म नहीं यूज करके भी कर सकते हैं. फर्स्ट फाइंड द सेंटर ऑफ दिस सर्कल. तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेंटर इज x1 plus x2 by 2 एंड y1 plus y2 by 2. This is the coordinate of center. ये center का coordinate मिल गया आपको. और आपके पास distance formula को use करके radius निकाल सकते हैं. Using distance formula, you can find radius. Radius निकल जाएगा. अब center और radius पता है तो circle का equation आप लिख सकते हैं x minus, इसको आप लिख दीजिए x1 plus x2 by 2. This is plus y minus, this is y1 plus y2 by 2 and this is r square. This is the equation of circle. तो आप radius निकाल सकते हैं center से लेकर किसी एक point के बीच का distance, चाहे वो a से या फिर b से. तो आपके पास ये direct circle का equation आ जाएगा जो कि उस equation के similar होगा. तो यानी कि जब आपके पास डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हो, एक्सट्रीमिटीज दिया हो, देन यू हैव टू ऑप्शन. या तो आप डायरेक्ट डायमेट्रिक फॉर्म को यूज कर सकते हैं या फिर सेंटर फाइंड आउट करने के बाद रेडियस फाइंड आउट कीजिए और उससे भी आप सर्कल के इक्वेशन को लिख सकते हैं. तो मान लिया कि आपके पास कोई सर्कल दिया हुआ है एंड दिस इज योर डायमीटर एंड डायमीटर का एंड पॉइंट है -1, 4 लेट एंड दिस इज 5, 6. मान लिया ये आपके पास डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है. तो आप इससे सर्कल के इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए आप क्या करेंगे, पहले हम सेंटर फाइंड आउट करेंगे. सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो x1 प्लस x2 बाई 2 माइनस 1 प्लस 5 बाई 2 दैट मीन्स 4 बाई 2 दैट मीन्स 2. x कोऑर्डिनेट आ गया 2, y कोऑर्डिनेट 4 प्लस, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो दिस इज सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट आपके पास आएगा 4 प्लस 6 बाई 2 दैट मीन्स 10 बाई 2 दैट मीन्स दिस इज 5. ये आपके पास आ गया 5, दैट मीन्स 2, 5 इज द सेंटर. ये आपके पास सेंटर आ गया. अब ये सेंटर आ गया 2, 5, तो इससे आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं. डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दिस इज डिस्टेंस का फॉर्मूला यानी रेडियस. ये आपके पास आएगा रूट अंडर 2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 होल स्क्वायर का रूट अंडर. दैट मीन्स दिस वैल्यू इज 2 माइनस 5 माइनस 3 स्क्वायर दिस इज 9 प्लस दिस इज माइनस 1 स्क्वायर 1. तो ये आपके पास आ गया दिस इज रूट अंडर 10. तो इससे सर्कल का इक्वेशन क्या आ गया आपके पास, सर्कल का इक्वेशन डायरेक्ट आप लिख सकते हैं. यहां पर मैं लिख दे रहा हूं x माइनस, तो x1 कितना है, दिस इज 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस दिस इज 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर दैट मीन्स दिस इज 10. दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल. हियर क्वेश्चन इज फाइंड रिलेशन बिटवीन m एंड c इफ y इक्वल्स टू mx प्लस c इज टेंजेंट ऑन दिस सर्कल. If y equals to mx plus c is tangent on circle x square plus y square equals a square, then find the relation between y equals mx, y equals mca, यानी mca जो पैरामीटर है उसके बीच आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है कि क्या रिलेशन है. तो हम यहां पर देखते हैं दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन. ये सर्कल जो है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, x square plus y square is equal to a square. इसको हम कुछ ऐसा ऐसे लिख सकते हैं, x minus 0 square y minus 0 square is equal to a square. This is the circle having center 0, 0. ये 0, 0 है और radius क्या है इसका, a है. And let this is any tangent.
ये मान लिया कोई टेंजेंट है एंड दिस इज y इक्वल्स mx प्लस c, मान लिया इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स mx प्लस c एंड यू हैव टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन दिस इज a, ये रेडियस a है तो a, m और c के बीच में क्या रिलेशन होगा इसको हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो हम लोग को पता है कि इस y को अगर इस y को हम यहां पर रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आ गया x इक्वल्स x स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इस वैल्यू को हमने y के जगह पुट कर दिया है तो ये आपके पास इक्वेशन आ गया, इक्वेशन आ गया। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आ गया आपके पास x स्क्वायर, दिस इज m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mxc इज इक्वल टू a स्क्वायर। नाउ अब एक साइड ले आते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं इसको, दिस इज 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 2mcx एंड दिस इज प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। तो a आपके पास देखिए क्या है, a आपके पास द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 प्लस m स्क्वायर है, दैट मींस दिस इज 1 प्लस m स्क्वायर। b आपके पास क्या है x का कोफिशिएंट, तो b आपके पास हो गया कितना, दिस इज 2mc एंड c That means this is c dash, इसको लिख लेते हैं तो c dash is equal to कितना है, this is c square minus a square, यहाँ पर दोनों जगह पे c है इसलिए हमने c dash ले लिया इसको। अब हम क्या करते हैं, this is tangent, tangent अगर है ये तो d क्या होगा, जीरो होगा discriminant, अगर ये chord है तो d क्या होगा आपके पास, d greater than जीरो, और इस तरह से है that means neither touching nor intersecting d is less than जीरो, और d यहाँ पर क्या है तो d is b square minus 4ac, तो tangent के लिए हम क्या किए, tangent के लिए d को हम 0 से equate कर देते हैं, तो d जो कि आपके पास क्या आया है b square minus 4ac, that means 2mc b square minus 4mc, तो 4 ये आप put कर देते हैं, 4ac a आपके पास है, this is 1 plus m square and this is c dash, तो ये आपके पास है दिस इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू जीरो, इसको हम जीरो से इक्वेट कर देते हैं तो जीरो से इक्वेट करने पे ये आपके पास आ गया कितना, दिस इज डी आपके पास आएगा, दिस इज 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 एंड दिस इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर and this is m square c square plus m square c square and this is minus m square a square, m square a square bracket close. Now this is d, d equals 4 m square c square minus 4 c square minus minus plus 4 a square, this is again minus 4 m square c square, this is plus 4 m square a square, m square c square this is cancel out, ये भी आपका cancel out हो गया। अब क्या करते हैं, d आपका 0 है तो 0 से equate करें, ये लिए हम क्या किए एक साइड इसको ले आते हैं, तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं ये हमारा कैलकुलेशन सही है कि नहीं, this is 2 square 4 square m square c square minus 4 बाहर, अब इसको हमने into किया तो this is c square minus a square, this is m square c square and this is m square minus a square, और minus into करने के बाद minus 4 c square, this is plus 4 a square, this is minus 4 m square c square minus minus plus, this is 4 m square c square। अब हम क्या करते हैं, इसको 0 से equate करते हैं तो 4 will be common, तो 0 is equal to minus 4 c square plus 4 a square plus 4 m square a square, तो अब 4 को भी कॉमन लेकर हटा सकते हैं हम लोग, तो ये आपके पास आ गया m square a square square plus a square is equal to c square, now taking common a square common ले लेते हैं, this is m square plus 1 is equal to c square, that means
C इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, दिस इज C इज इक्वल टू रूट ओवर योर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस वन, यानी ये आपके पास रिलेशन आ गया ए एम एंड सी के बीच. नाउ लेट योर क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू एक्स प्लस c इज टेंजेंट ऑन दिस सर्कल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c सो दैट y इक्वल्स टू एक्स प्लस c इज टेंजेंट ऑन द सर्कल. लेट योर सर्कल इज दिस वन एंड दिस इज लाइन, ये आपके पास लाइन है, दिस लाइन इज y इक्वल्स टू एक्स प्लस c एंड हियर दिस इज ऑरिजिन 0, 0 एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज योर 5 यूनिट, ये 5 यूनिट है. तो यहां इस प्रॉब्लम को बनाने के कई तरीके हैं, आप चाहे तो इस लाइन से इस सेंटर के बीच के डिस्टेंस को इक्वेट कर दीजिए और ये डिस्टेंस आना चाहिए 5 यूनिट, यानी कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस पॉइंट एंड लाइन के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके आप बना सकते हैं. पॉइंट से लाइन के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, मान लिया आपके पास लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और पॉइंट दिया हुआ है एक्स वन वाई वन, तो इस लाइन से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड, दिस इज डिस्टेंस. तो इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं सी के वैल्यू को, ये आपके पास लाइन है और ये आपके पास पॉइंट है और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5 यूनिट, ये भी एक तरीका है, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं. दूसरा तरीका हमने देखा कि इस लाइन को अगर सर्कल में पुट करेंगे तो ये जो सर्कल का इक्वेशन है दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस, तो वाई की जगह हम इसको पुट कर देते हैं, दिस इज टू एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. तो इसको जब पुट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगा वो कुछ इस तरह से होगा एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज 4x² प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स 4xc इज इक्वल टू योर 25. तो अब हम एक तरफ ले आते हैं तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर एंड दिस इज 1 प्लस 4, दैट मीन्स दिस इज ये आपके पास 5 आ गया, 5 एंड दिस इज हियर 4xc प्लस सी स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं. लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो इसमें हम देखेंगे कि a क्या है आपका, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट मींस 5, b क्या है आपका, b इज कोफिशिएंट ऑफ x दैट मींस दिस इज 4c एंड c डैश इसको ले लेते हैं, दिस इज सी डैश जो कि कॉन्स्टेंट है, दिस इज सी स्क्वायर माइनस 25 और उसके बाद डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे. तो 0 से इक्वेट करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट मीन्स 4c स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू सी स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0. तो इज इक्वल टू 0 से इक्वेट किए देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c. अब इसको आप सॉल्व कीजिए, c के टर्म्स में जो जो वैल्यू आ रहा है दैट इज द योर वैल्यू ऑफ c. तो आपके पास दो तरीका है, आप चाहे तो इस मेथड से भी बना सकते हैं और इस मेथड से भी आप बना सकते हैं. तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर सकते हैं और c का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्राई कीजिए. तो यहां हम देख रहे हैं कि दोनों मेथड से सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो सेम है, c इक्वल्स प्लस माइनस 5 रूट 5, यानी दो टेंजेंट पॉसिबल है, एक टेंजेंट देखिए इसके पैरेलल होगा और एक कुछ इस तरह से. तो हम ज्योमेट्रिकली शो भी कर सकते हैं इस कर्व को, क्योंकि ये सिंपल कर्व है जिसका सेंटर ओरिजिन है. यहां हमने डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज किया है, इस लाइन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, x 2x प्लस 2x माइनस y दिस इज माइनस y प्लस c इज इक्वल टू 0. अब यहां पर x कोऑर्डिनेट 0 है, 2 इंटू 0 दिस इज माइनस 0 प्लस सी रूट अंडर योर प्लस माइनस 5 आ जाएगा, क्योंकि ये मॉड है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड हटाएंगे तो ये प्लस माइनस में आएगा, तो सी का वैल्यू ये है आपके पास. और इस तरीके से हमने सॉल्व किया तो दिस इज 4c होल स्क्वायर 16c स्क्वायर दिस इज 20c स्क्वायर एंड दिस इज
25, this is 500, तो 4c square is equal to your 500, इसको हमने इधर भेज दिया है, माइनस को हटा दिया है, डायरेक्ट हमने हटाया है, यहाँ माइनस होगा आपके पास, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, this is c square is equal to your 125, तो ये आपके पास आ गया 125, तो 125 का रूट 5 root 5, तो ये दोनों तरीके से हम इस तरह के प्रॉब्लम को बना सकते हैं, या तो डिस्टेंस से सेंटर के बीच, लाइन से डिस्टेंस निकाल दीजिए सेंटर के बीच और रेडियस के इक्वल है, या फिर डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो दो वैल्यू आया सी का, दैट मींस टेंजेंट्स आर पैरेलल। दिए गए कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप बनाइए, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो दिए गए नंबर पे आप भेज सकते हैं। हैव अ गुड डे।